हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और अभी 10 बज चुके हैं। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये जो ड्रेस है ये मुझे श्राद्ध में मिला, तो नहीं, ये श्राद्ध में नहीं मिला, ये मेरे भैया ने मुझे दिया है। उनकी नई नई नौकरी लगी ना, तो इसलिए मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए नया ड्रेस खरीद दिए। मेरी बहन का भी है, और अगर उसका फोटो मिल गया तो मैं डाल दूंगी। और मैं ये नया ड्रेस पहन के शॉर्ट्स भी बनाई हूँ, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं, इसलिए आप लोगों को बोल के कोई फायदा नहीं। ये देखिए, ये है मेरी छोटी बहन का ड्रेस जो कि भैया ने दिया है। तो मैं कराटे क्लास से आके पूरा नहा धो के पूरा क्लीन हो गई, वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह से धुल गई। और मेरी छोटी बहन का भी बन गया है, और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो मैगी तो एक ही चीज़ होती है, तो अलग अलग क्यों बनाया गया था? तो एक्चुअली मैं क्या है ना, मेरी छोटी बहन मैगी थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट खाती है, लेकिन मैं उतना सॉफ्ट नहीं खाती हूँ, इसलिए अलग से बनाया है। और मेरी फूटी के साथ मेरा कोई नहीं है, खुद के लिए खाना खुद बनाना पड़ रहा है, मैं ना दूँ। तो बहुत हो गई नौटंकी। तो आज संडे है, मतलब तो स्पेशल ही तो बनेगा ना। तो मैं मानती हूँ कि हम भुक्कर लोग हैं, हम बहुत खाते हैं नॉनवेज, लेकिन तो अभी लक्ष्मी माँ का महीना चल रहा है और मार्गशीर मास चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इस महीने में रंगोली दिया जाता है, लोग रंगोली देते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, और नॉनवेज भी नहीं खाते हैं लोग। लेकिन हमने देखा है, सुना है कि मतलब नॉनवेज तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों के घर में तो झांक झांक के उनसे नहीं पूछ सकते ना कि तुम लोग नॉनवेज खाते हो कि नहीं, वो लोग तो बोलेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे जो जान पहचान है वो लोग मतलब बोलते हैं कि कैसे ये महीना खत्म हो जाता, हम लोग नॉनवेज खाते, वेज खा खा के हम थक गए हैं। तो मम्मी उन्हें कहती है कि अगर इतना ही नॉनवेज खाने का मन हो रहा है तो नॉनवेज खाओ, और उसके साथ भक्ति से पूजा भी करो। और मम्मी का यही फंडा है, और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी को मार कर पेट पूजा करना अच्छी बात नहीं होती, पाप होता है उससे। लेकिन क्या करें, हम छोड़ भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते, पूरा प्योर वेज खाते, उनको तो मेरा सल्यूट है। उनके पैर को धोकर उनका पादों का भी पिए ना, तो वो कम है बहुत, मतलब वो लोग इतने महान है, और हम लोग तो राक्षस जाति में जाते हैं, और भगवान तो हमें दंड देगा ही देगा। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि कैसे नॉनवेज छूट जाए, और पता नहीं फ्यूचर में कास्ट छूट जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये कैसी कोशिश है, नॉनवेज खा खा के कोशिश नॉनवेज छोड़ने की, ये बहुत ही अजीब है। तो मेरा मैगी भी बन चुका है, और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर मम्मी को हेल्प भी करना है खाना बनाने के लिए, और मतलब सारे मसाला सब मुझे रेडी करना है। और मम्मी की तबीयत भी खराब है, क्योंकि मेरा डांस परफॉर्मेंस था, तो उस दिन बाहर ठंड में बैठ बैठ के मम्मी का कमर अकड़ गया है। और हाँ, कल से मेरे एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, मेरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और पिछली बार मेरे मार्क थोड़ा कम गए थे, तो मम्मी पापा ने मुझे वार्निंग दिया कि अगर इस बार मार्क अच्छा नहीं आया तो तुम्हारा कराटे और डांस बंद कर दिया जाएगा, और खाली बस पढ़ाई कर लेना, फिर तुम्हारी शादी करके तुम्हें भगा देंगे, किसी रिक्शा वाले को दे देंगे तुम्हें। और मम्मी की तबीयत भी हमेशा ठीक नहीं रहती, क्या करे, उम्र हो रही है मम्मी की, और मम्मी को ठंड भी बर्दाश्त नहीं होता, मम्मी को ठंड नहीं जाती है। और ये भी देख लीजिए कि मेरी बहन दांत घिसवाने के लिए कैसे हो रही है, बोल रही है कि मेरे दांत में कीड़ा हो गया है, मेरे दांत घिस दो। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, और मुझे अभी मसाला के लिए रेडी करना है। और क्या बनेगा लंच में मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आप लोगों को बन जाने के बाद दिखाऊंगी।
दिखाऊंगी नहीं, मिलके खा लेंगे और तब आप लोग देख लेना कि क्या बना है। और हाँ, मैं स्कूटी चलाना भी सीख रही हूँ। मैं चला रही हूँ। मुझे मत दिखा, मैं बड़ी अजीब दिख रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी एज तो पता ही होगी, मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तो आप लोगों को मेरी एज पता होगी। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं अभी 8th स्टैंडर्ड की हूँ और स्कूटी कैसे चला रही हूँ। तो मैं स्कूटी नहीं चला रही हूँ, मैं स्कूटी सीख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा मुझे स्कूटी चलाने के लिए दे देंगे अकेले, क्योंकि अकेले स्कूटी चलाना इलीगल है और इस उम्र में क्राइम नहीं करना है। लेकिन मैं सीख रही हूँ ताकि जब मेरी उम्र हो जाएगी गाड़ी चलाने की, स्कूटी चलाने की, तब तक मैं स्कूटी चलाने में परफेक्ट हो जाऊँ। और मैं इसलिए भी सीख रही हूँ ताकि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। कौन कुछ होते बैठी की कौन कुछ होते इसे आलू टमाटर सब्जी बनाऊँ दीदी। देखो तुम जा मसरा आने की बसी बजा, ठंडा लग बजा मसरा आने की बस। आना मसरा आने की बस, ऐसे भी बोलना चाहिए कि नहीं? ऐसे बैठ रही है ठंड में ना। तुम्हें बसो, तुम्हें बसो, आसो बिछाओ, बसो बिछा 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 तोड़े बिछा, सेटा थाओ सेटा थाओ सेटा थाओ, एट बिछा गुटे गुटे बिछा। मेरे लिए भी लाई है। बस देख कर बस आई बस, तुम्हें बस 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 हाँ बस। तो मच्छी का तावा फ्राई बन रहा है, ये तावे से गर्मा गर्म निकलेंगे फिर हम खाएंगे, लेकिन किसके साथ चलिए दिखाती हूँ। तो ये रहा चावल और ये है चिकन करी। तो मैं ट्यूशन जा रही हूँ उड़ उड़ के, बिना एरोप्लेन के उड़ उड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ उड़ उड़ के। तो मुझे तो चिकन का जूस मस्त लगा और पापा मछली कब लाए थे, लेकिन जैसे ही मछली बना पापा मछली के ऊपर झपट पड़े और एक ठोक खा लिया, जबकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया। तो पापा को मछली अच्छा लगा और मुझे चिकन का जूस। तो मैं अभी उड़ उड़ के जा रही हूँ, बाद में मछली की तरह तैर तैर के चली आऊंगी। तो मैं तैर तैर के आ चुकी हूँ, जाते समय बिना एरोप्लेन के उड़ उड़ के चली गई और लौटते समय बिना पानी के तैर तैर के चली आई। देखो मैं भीग भी नहीं हूँ। अरे बिना पानी के तैरोगे तो भीगोगे कैसे? और मैं इतनी सजी हुई क्यों हूँ? मैं शॉर्ट्स बनाए ना, इसलिए मैंने मेकअप किया हुआ है और शॉर्ट्स अपलोड हो चुका है। ये व्लॉग ही बाद में आएगा और आप लोग जाके शॉर्ट्स को देख भी लीजिए। और उस गाने में फिर से करने को मन किया शॉर्ट्स, तो इसलिए मैंने कर लिया, लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने बोला कि वो और भी बेहतर हो सकता था, तो मैं कोशिश करूँगी। और मम्मी ने तो मेरा टाइम टेबल बना दिया है और अभी मेरा टाइम है घर का काम करने का, फिर मैं थोड़ा बहुत अपना कराटे प्रैक्टिस करूँगी, फिर मेरा डांस क्लास है, फिर पढ़ाई करूँगी, फिर डिनर, और हफ्ते में एक बार मुझे फ़ोन मिलता है या तो मूवी देखने को मिलता है, जो कि आज मिलता है मुझे। लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मुझे ट्यूशन जाना था, इसलिए मैं
दिख भी नहीं पाई। और जब हम शॉर्ट्स पहनने गए थे तो शाम के लिए नाश्ता भी ले आए। और हाँ, मैंने जो शॉर्ट्स में ड्रेस पहना है ना, वो मेरी मम्मी ने सिलाई किया है। और डिनर में क्या बनेगा, स्टे ट्यून्ड। देखो मेरे बड़ा पमोल माचो दीदी कोई ले ले अब चिकन पाई चाटी चाटी उंगली खाई जा रही थी। तो मैं डिनर कर चुकी हूँ और डिनर में वही जो बनाया गया था वो बच गया था, वही खाए हम। मैं चावल के साथ खाई और पापा रोटी के साथ खाए। और नॉनवेज के साथ तो पूजा पाठ की बात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं भूल गई थी बोलना। तो कल जब मैं स्कूटी सीखने के लिए गई थी तो हम एक मंदिर गए थे, पापा मुझे घुमाने के लिए ले गए थे, शिव मंदिर गए थे हम। जैसे कि मम्मी मंगलवार करती उसी तरह पापा सोमवार करते हैं। तो पापा शिव जी की पूजा करता है तो मुझे घुमाने के लिए मंदिर ले गए थे। तो मुझे इतना ही कहना था, तो इस ब्लॉग को यही एंड कर दिया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। দশ এগারো দিন লাগবে।